हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का नीलम भारती किचन में स्वागत है। मैं आज बनाने जा रही हूँ गुड़ शक्करपाले रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो यहाँ पर एक बाउल ले लिए हैं, इस बाउल में डालेंगे एक कप मैदा, एक छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चौथाई कप रिफाइंड, फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार कर लेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, घर में बहुत ही आराम से बन जाता है। तो यहाँ पर हम डो तैयार कर लिए हैं, इसे अब हम 10 मिनट के लिए ढक करके सेट होने के लिए रख देंगे। तो इसे रखे हुए 10 मिनट हो गया है, तो अब हम ढक्कन हटा करके इस डो को एक बार अच्छी तरह से मसलते हुए चिकना कर लेंगे। अब इस डो को हम हाथ में ले करके एक बार गोल करते हुए चपटा कर लेंगे। फिर हम चकला पे डाल के इसे हम बेल लेंगे इस तरह करके। हम इसे थोड़ा सा मोटा ही बेले हैं, क्योंकि इसे हम शक्करपाला बनाएंगे तो इसलिए ये मोटा ही रहना चाहिए। हम इसे इस तरह का शेप दे दिए हैं हाथ की सहायता से। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। सभी को कट कर लिए, तो अब इसे एक बॉल में रख लेंगे। कढ़ाई में तेल डाल के गरम कर लिए हैं, इसे बस हल्का गरम किए हैं। हल्का गरम तेल में ही इसे डालना है, ज़्यादा गरम नहीं करना है। जब सब ऊपर तैरने लगेगा तब हम गैस को थोड़ा सा तेज कर देंगे। इससे क्या होता है, ये खस्ता बनता है। देखिए सब ऊपर तैरने लगा है, तो अब हम गैस को हल्का तेज कर देंगे और हल्के से तेज आंच पे स्लो फ्राई होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्लो फ्राई हो गया है, तो अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और इसी तरह करके बचे हुए भी फ्राई कर लेंगे। बचे हुए को भी फ्राई कर लिए, तो अब हम गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें डालेंगे आधा कप गुड़ और एक चौथाई कप पानी और इसे हम मेल्ट होने देंगे। तो अब ये मेल्ट हो गया है, तो अभी इससे चाशनी तैयार कर लेंगे। इसे इस तरह चलाते रहेंगे, चलाते हुए इसे हम चिपचिपा होने तक पकाएंगे। तो चाशनी लगभग हमारा तैयार है। अब इसे हम कलछी की सहायता से देख लेंगे कि चाशनी चिपचिपा हुआ है कि नहीं। तो चाशनी बिल्कुल रेडी है, शक्करपाला डाल देंगे और इसे डालने के बाद हम इस तरह चलाते हुए इसे हम मिलाते रहेंगे, चाशनी इसमें सोख लेगा। तो देखिए ये हल्का हल्का सूखते जा रहा है, ये अच्छी तरह से सूख जाएगा। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से सूख गया है। तो अब ये देखिए हमारा गुड़ शक्करपाला बनके रेडी है। इसे अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।